नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया NDTA मामले में एक बड़ा खुलासा हम आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिनके खुद के घर कांच के हो, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन NDTA ने दूसरों के घर पे पत्थर कैसे फेंका है जबकि इनका घर खुद का कांच का है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, NDTA ने गेसंस को ज़मीन दिया है लीव एंड लाइसेंस के तहत, जैसा कि हम पिछले कई एपिसोड से आपको हम बताते भी आ रहे हैं। अब NDTA की जो ज़मीन है, वो ज़मीन सरकार के अंदर में आती है और सरकार से इनको रिन्यू करना होता है। लेकिन 2008 से इनका खुद का सरकार के साथ जो लीज एग्रीमेंट है, वो एक्सपायर हो चुका है। यानी कि 2008 यानी कि 15 साल लगभग हो चुके हैं इनका खुद का लीज एग्रीमेंट, जो सरकार से इनको अपडेट करना चाहिए, रिन्यू करना चाहिए, वो एक्सपायर हो चुका है। और एक्सपायर ज़मीन पे इन्होंने दूसरे को, यानी कि गेसंस शोरूम के लिए इन्होंने लीव एंड लाइसेंस के तहत उसको 5 साल के लिए दे दिया है। इस पे हमारी उनसे बातचीत भी हुई, सवाल जवाब भी हुए, और उसी प्रकार जैसा हमेशा उन्हें गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, सेम वही चीज़ें फिर से हुई है। NDTA के पास जो ज़मीन है, आपके सीनियर ऑथोरिटी आप भी किसी से लिए होंगे ये सर? जमीन, कुछ जमीन परचेज करी हुई है, कुछ जमीन गवर्नमेंट लीज की बात करते हैं। किसकी? जिसकी अभी मैटर है, वो भी जो जमीन का भी मैटर है, गेसंस की हाँ। बात कर रहे हैं हाँ। तो आप मुझे बताइए कि आपके सीनियर अथॉरिटी कोई और होंगे ना? आप भी किसी, जैसे आपने SSI को दिया, मानते हैं सीनियर अथॉरिटी के? यहाँ पर सिर्फ हमारे बिशप साहब है जो चेयरमैन है और हम लोग उसके ट्रस्टी हैं। रिन्यू नहीं करते किसी और के पास? नहीं, हम लोग का हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट डिसीजन लेता है, और अगर कोई ट्रस्ट का ही डिसीजन चलता है, हमारे ऊपर कोई सीनियर नहीं है इसके ऊपर। आपका ये जो जमीन है ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आता है क्या? गवर्नमेंट का लीज है ना, हर जगह आपका गवर्नमेंट के लिए भी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का आपके 2008 से जो एक्सपायर हुआ है अभी रिन्यू नहीं किया आपने गवर्नमेंट से? नहीं किया ना, लेकिन हमने एप्लीकेशन मूव कर दिया ना, गवर्नमेंट की एक फॉर्मेलिटी थी, वो अपने हिसाब से देख के हमको देंगे, इतना डिमांड नोट भरो, जिस दिन हमको पैसा आएगा उस दिन भर देंगे पैसा। तो सर, वो भरने के बाद आपने फिर ये करना था बिजनेस? आप तो खुद लैप्स में चल रहे हैं सर। हमने किया ना, आप गलत काम करके क्या कर, जो गलत कर रहे हैं उसको अरेस्ट होने देना। दिस इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव फुल राइट टू डिसाइड एट व्हाट रेट वी शुड लीज इट आउट। हमारे ऐसी एक प्रॉपर्टी नहीं है, कई प्रॉपर्टी रहती है जो 2008 से एक्सपायर है। तो 2008 कई प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ रिन्यूअल नहीं होता है। तो 15 साल से रिन्यू नहीं हुआ, रिन्यूअल नहीं होता उसका मतलब थोड़ी कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। 15 साल से रिन्यू क्यों नहीं हुआ? चैरिटेबल ट्रस्ट करने के लिए, फंड रीज करने के लिए, क्या इनलीगल तरीके से चैरिटेबल आपके काम करेंगे क्या? इनलीगल है ही ना सर, हम 2008 से आप रिन्यूअल ही नहीं है। आपके इलीगल बोलने से इलीगल नहीं होता, मैटर इज इन द कोर्ट, लेट अस वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आते आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते ना मैम। 2008 से आपका नहीं कर सकते ना, पर आपने दिया ना ट्रस्टबिलिटी साइड, 5 साल जब मैं रहूंगा कितने इसकी गारंटी थोड़ी मेरी, हमारा सीनियर जो करना होता है इसलिए जो करना अभी कर लो, ऐसा थोड़ी होता। आप क्या आप बोल रहे हैं, आपकी बात हो रही है, ये आप बोल रहे हैं सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। इसीलिए आप आए तो अभी जो करना है कर लो, 5 साल के बाद में क्या मालूम। दोस्तों, NDTA की बॉडी में 2021 में एक नए फेरबदल हुए, जिस फेरबदल में कुछ नए लोग इसमें बड़े पद पे विराजमान हुए, जैसे कि सेक्रेटरी के पद पे मंजूषा मैम विराजमान हुई। इन लोगों के आने के बाद, यानी कि बॉडी में जो 2021 में जो चेंजेज हुए, बदलाव हुए, उस बदलाव के बाद इस तरीके के कार्य, अनेक कार्य शायद NDTA की तरफ से किया गया, जिसका एक खुलासा हम आप तक लेकर आए हैं। और आने वाले समय में हर अहम खुलासा NDTA के द्वारा जो भी गैर कानूनी या फिर अवैध कार्य किए जा रहे हैं, अवैध तरीके से, गलत इरादे से किए जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ इन VCN News पे।